तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है डेफिनेट इंटीग्रेशन के फोर्थ लेक्चर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और साथ ही आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में और भी चीजों को समझेंगे। सो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग देखो, ओके ओके एक्चुअली कल लाइव स्ट्रीम थी, तो लाइव स्ट्रीम में मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया था। ठीक है, ओके। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम थोड़ी सी फील लेते हैं यहाँ पे। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया। इसका मतलब जैसे तुम किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो ए से लेके बी तक, सपोज तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, जिसको तुम ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ पे समझाने की कोशिश करूँ, तो सपोज यहाँ पे है एक्स बराबर ए और यहाँ पर है एक्स बराबर बी। तो यहाँ पर तुम्हारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सपोज वो फंक्शन कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा एफ एक्स है और इसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो ए से लेके बी तक। तो बेसिकली जब तुम ये इंटीग्रेट करते हो ना ए से लेके बी तक, तो तुम कुछ और नहीं करते हो बल्कि इस फंक्शन के द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया निकालते हो। मतलब ए से लेके बी तक ये फंक्शन ने अपना कितना एरिया ले रखा है उसको तुम फाइंड आउट करते हो, राइट? तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का फील कि भाई जैसे तुम ए से लेके बी तक चर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो ए से लेके बी तक उस फंक्शन ने अपना कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो होता है हमारा ए से लेके बी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन एफ एक्स का। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, अल्जेब्रिक एरिया का क्या सेंस है फिर? अल्जेब्रिक वर्ड क्यों यूज हुआ यहाँ पे? जैसे मैं आपसे बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम -3 to 2, और यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेकर 2 तक। तो एफ एक्स बराबर -3 कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो ये रहा एक्स बराबर -3, और एक्स बराबर 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो ये रहा एक्स बराबर 2। तो -3 से लेकर 2 तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तो सपोज कोई फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, कैसा भी फंक्शन बना लो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा कोई भी एक फंक्शन है, तो इसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो -3 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो -3 से 2 तक जो आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब ये पूरा आप एरिया निकाल रहे हो। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप लोगों का जो -3 से लेकर 0 तक है वो एरिया नेगेटिव आएगा, राइट? ये एरिया आएगा नेगेटिव और ये एरिया आएगा पॉजिटिव। तो बेसिकली सपोज ये आया -A1 और ये आया +A2, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा -A1 + A2। मतलब हम लोग इसमें अल्जेब्रिक एरिया लिखते हैं, ठीक है, मतलब एरिया का जो साइन है उसके साथ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, राइट? इसलिए मैंने इसे अल्जेब्रिक एरिया कहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्जेब्रिक एरिया। मतलब जो एरिया का साइन है उसके साथ उसको तुम पुट कर रहे हो, राइट? जैसे -A है तो तुमने इसको -A1 लिखा, और ये प्लस है तो इसको +A2 लिखा। ऐसी जो अगला चैप्टर है AODI, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा? इसमें तुम -A1 को भी मॉड लगा के +A1 लिख दोगे, तो वो हो जाएगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है, फिलहाल अगले चैप्टर में वो तो फिलहाल समझ में आएगा ही। ठीक है, तो अभी जब इवन ऑड प्रॉपर्टी बताऊंगा तब ये आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोगों का डेफिनेट इंटीग्रेशन का यहाँ पे ये छोटा सा फील हो गया। ये मैंने इसीलिए बचा कर रखा था क्योंकि मैंने सोचा था जिस दिन प्रॉपर्टी बताऊंगा उसी दिन इसके साथ बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद जब प्रॉपर्टी बताऊंगा तो ये सब आपको रिलेट होगा फिर, राइट? चलो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज है। 8 में से 4 प्रॉपर्टीज बड़ी ही चिंदी हैं और 4 प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर थियरम्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मैं वो थियरम्स भी पूरे करके मतलब थियरम्स भी मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है, ओके। तो जरा यहाँ पे देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ सेम लिमिट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सेम लिमिट। प्रॉपर्टी ऑफ सेम लिमिट हमसे क्या कहती है कि जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, बट लिमिट्स सेम है, मतलब नीचे भी ए है ऊपर भी ए है,
तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब इसका आप सेंस देखो क्या है, इसका सेंस क्या है देखो, इसका सेंस ऐसा है कि सपोज एक्स बराबर ए हमारा यहाँ है, ठीक है, एक्स बराबर ए हमारा यहाँ है और हमारा एफ एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, हमारा एफ एक्स, ठीक है, तो मैं एक्स बराबर ए से शुरू कर रहा हूँ और एक्स बराबर ए पर ही इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, मतलब यहीं पे शुरू किया यहीं पे खत्म किया, तो मैंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया बताओ, कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर देखो, एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, सपोज इसने ऑक्यूपाई किया है एरिया जीरो, जीरो एरिया ऑक्यूपाई किया क्योंकि ये अभी खड़ा है। अब इसने चलना शुरू किया, ठीक है, इसने सोचा मैं 1 मिनट बाद चलूंगा, नहीं चला, इसने सोचा 2 मिनट बाद चलूंगा, नहीं चला, इसने सोचा 3 मिनट बाद चलूंगा, नहीं चला, और वो अभी भी वहीं पर खड़ा है, मतलब सपोज ये खड़ा था अगर 3,0 पर, तो अभी भी वो 3,0 पर ही खड़ा है, ठीक है, तो अगर अभी भी वो वहीं खड़ा है, अगर वो अभी भी वहीं पर खड़ा है तो इसका मतलब इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, जीरो, जब चला ही नहीं तो एरिया कैसे ऑक्यूपाई करेगा, तो इसीलिए अगर लिमिट्स सेम होती हैं तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ जी एक्स आ रहा है, मान लो कुछ जी एक्स आ रहा है, अब इसमें अपर लिमिट डालोगे ए तो ये हो जाएगा जी ए, लोअर लिमिट डालोगे ए तो ये हो जाएगा जी ए, और जी ए हो जा रहा है जीरो, कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो इसलिए कितना भी खतरनाक फंक्शन दिया हो, जैसे मैं आपको बोल दूं एक फंक्शन sin√3 log x, यहाँ पे ब्रैकेट में e√x log 1 + x की पावर e√x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसे कोई इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, बट मैं यहाँ पे लिमिट्स डाल दूं 1 से 1, तो यहाँ पे मैंने लिमिट से सेम कर दी, तो तुरंत आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है कि भैया सिंस लिमिट्स आर सेम और सेम लिमिट होने पे आंसर जीरो हो जाता है, तो देयरफॉर आई का आंसर भी जीरो हो गया, राइट, तो अगर लिमिट्स सेम हो जाती है तो वहां पे आंसर तुरंत तुरंत जीरो हो जाता है। ओके क्लियर, तो छोटा सा ये कंसेप्ट था, आई होप आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इसका कोई नाम नहीं होता, देखो प्रॉपर्टीज के कोई नाम नहीं होते, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कंफर्टेबलनेस के लिए, ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए हम लोग इनको एक नाम देते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, ये प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि जैसे आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स कर रहे हो, तो एक्स को हटा के तुम टी भी डाल सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी भी इसे लिख सकते हो, या साइन एम डी एम भी लिख सकते हो, या तुम्हें अपने नाम से ऑब्सेशन है तो तुम इसे साइन जेड डी जेड भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली तुम वेरिएबल चेंज कर सकते हो, उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो चेंज आ जाएगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो आंसर वेरिएबल्स के टर्म में आता है, जैसे आपने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था तो जो आंसर आएगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही कुछ ना कुछ आएगा, x/2 x/3, इसमें तो फाइनल आंसर कुछ ना कुछ एक कॉन्स्टेंट आता है, एक्स के टर्म में कभी आंसर देखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, नहीं, तो इसलिए अगर सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो तुम लोग यहाँ पे एक्स की जगह टी डाल सकते हो, तो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, मतलब इसमें आप लोग कोई भी एक वेरिएबल डाल सकते हो अपना मनचाहा, जो भी आपको पसंद है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और तुम चाहते हो ये माइनस साइन हट जाए, तो इस माइनस साइन को हटाकर तुम लिमिट को उल्टा कर सकते हो, ए से बी है तो बी से ए कर दो, हो गया बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, नहीं समझा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस में फ्रॉम 2 to 3, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये इक्वल आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 2 x dx, ठीक है, ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इंटीग्रेट करता हूँ, ये आ जाएगा x2/2 माइनस में आएगा, राइट, और ये 2 से 3 है तो माइनस बाहर रहने दो, 3 अंदर डालोगे तो 9/2 हो जाएगा, 2 अंदर डालोगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 9/2 - 2 कितना आएगा, 4.5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2.5, मतलब 5/2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा x2/2, ठीक है, लिमिट्स डालो, 2 डालोगे तो आएगा 4/2 और 3 डालोगे तो आएगा 9/2, 4/2 - 9/2 - 5/2 आएगा, LHS में भी -5/2 आया और RHS में भी -5/2 आया, समझ गए, तो इसका मतलब हम लोगों की प्रॉपर्टी सही है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन के बाहर, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के बाहर माइनस है, ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन के बाहर ही
अगर माइनस है तो फिर आप लिमिट के जो इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है उनको रेसिप्रोकल कर, मतलब उनको उल्टा कर सकते हो, ठीक है। ए से बी को बी से ए बना सकते हो, तो माइनस साइन हट जाएगा। ये होता है चेंज ऑफ साइन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये वाला जो प्रॉपर्टी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया चेंज ऑफ साइन वाला प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेन ऑफ लिमिट, चेन ऑफ लिमिट, ठीक है। चेन ऑफ लिमिट आपसे क्या कहती है, जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पे कोई नंबर है सी जो कि बिलोंग करता है ए से लेके बी, ठीक है। ए से लेके बी के बीच में ये बिलोंग करता है, और तुम्हें इंटीग्रेशन में दे रखा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में तुम्हें दे रखा है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो तुम इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले ए से लेके सी तक इंटीग्रेट कर लो, और फिर उसके बाद सी से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ लिमिट। ये कहाँ पे यूज होता है, ये देखो ए ओ डी आई में यूज होगा। ए ओ डी आई में जब मैं इंटीग्रेट करूंगा साइन एक्स के कर्व को, तो साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसे होता है, राइट। तो 0 से लेके पाई में इसका जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर पाई से 2 पाई इसका एरिया नेगेटिव होता है, 2 पाई से 3 पाई इसका एरिया पॉजिटिव होता है, फिर 3 पाई से 4 पाई इसका एरिया नेगेटिव होता है, राइट। तो इसका मतलब 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में नेगेटिव, 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव। तो हमें क्या करना होता है इसमें, हमें इसको स्प्लिट करना होता है, 0 से पाई अलग, फिर पाई से 2 पाई अलग, 2 पाई से 3 पाई अलग। तो बेसिकली हम लोग लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ज्यादा यूज तो वैसे ए ओ डी आई में है, इसमें तो कुछ खास यूज नहीं है, बट फिर भी जैसे आपको बोला है -1 से 1 इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो तुम इसे पहले -1 से 0 कर सकते हो और उसके बाद 0 से 1 कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ लिमिट, मतलब कोई नंबर बीच में है तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका कोई ये नाम नहीं है, चेन ऑफ लिमिट इसका नाम नहीं है, बस हम लोग अपने लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो रीजन में क्या बोलेंगे हम लोग, रीजन में पूरी पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे फिर, ठीक है। आइए पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी, और किंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो इसको आप बोल सकते हो सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, और इसका दूसरा नाम क्या है, किंग प्रॉपर्टी। अच्छा, तो समझ लो आपके पास इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप लोग इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यही तो सबसे खास प्रॉपर्टी है, ये जो किंग प्रॉपर्टी है ना, यही सबसे खास प्रॉपर्टी है। इसको बस सीख लो तुम, यूज मैं जब एक्सरसाइज शुरू करूंगा बहुत यूजेस बताऊंगा, ठीक है। थक जाओगे, बोलोगे अरे इतने यूज। तो किंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर तुम्हें लिमिट का सम करके, जो भी लिमिट है 0 से a है तो 0 प्लस a क्या हो जाएगा, a, a माइनस एक्स डाल सकते हो फंक्शन में, ठीक है। इसका यूज तो वैसे आगे है तो वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल पांचवी प्रॉपर्टी से हम लोग सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, यू मे बी गिवन टू प्रूव दीज प्रॉपर्टीज। मे बी क्या आता ही है, ये हर साल आता है, ठीक है। हमारे टाइम पे भी आया था, आपके भी टाइम पे आया होगा, राइट। हर साल का सीन शॉट है, हर साल आता है। तो हम लोग इसे कैसे प्रूफ करते हैं, देखो आरएचएस उठा लो। आरएचएस में क्या दे रखा है, 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स दे रखा है ना। तो क्या करो, इस ए माइनस एक्स को टी डाल दो। तो जैसे ही पुट करोगे ए माइनस एक्स को टी, तुरंत आप देखोगे कि माइनस डी एक्स की वैल्यू हो जा रही है डी टी, माइनस डी एक्स की वैल्यू डी टी हो रही है, इसका मतलब डी एक्स की वैल्यू हो जा रही है माइनस डी टी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने पे देखो 0 से a हो गया ये इंटीग्रेशन। अच्छा, 0 से a नहीं रह जाएगा अब इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, और सब्स्टिट्यूशन करते ही क्या, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं तुरंत लगता है चेंज ऑफ लिमिट। तो चेंज ऑफ लिमिट से देखो, चेंज ऑफ लिमिट से पहले हमारी लिमिट किसकी थी, पहले हमारी लिमिट एक्स की थी, अभी हमारी लिमिट किसकी है, टी की है, ठीक है। तो जब एक्स 0 था, जब एक्स 0 था तो टी बराबर आ जाएगा ए माइनस 0, क्योंकि टी को हमने ए माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट किया है, तो टी बराबर ए माइनस 0, तो टी बराबर ए आ गया। तो जब एक्स 0 था तब टी जो था वो हमारा ए हो गया, राइट। और जब एक्स ए था तब टी हमारा हो गया ए माइनस ए, क्योंकि ए माइनस एक्स है तो ए माइनस ए 0 हो गया, मतलब जब एक्स ए हुआ तब टी 0 हो गया। तो जो हमारी लिमिट 0 से लेके ए तक थी वो हमारी लिमिट अब कितनी हो गई, अब हो गई ए से 0। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बन चुका है ए से लेके 0 एफ ऑफ टी, और डी एक्स की जगह लिख लेंगे माइनस डी टी, ठीक है। तो ये माइनस गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर है ए से 0 एफ ऑफ टी डी टी, राइट। ये इंटीग्रेशन के अंदर है एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो माइनस साइन है बाहर,
तो मैं अगर इस माइनस साइन को हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिमिट्स चेंज कर सकता हूँ। सो देयर फोर ये हो जाएगा 0 से लेके a, और माइनस साइन हो जाएगा गायब, और यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, सिंस ए से लेके बी माइनस में ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इक्वल होता है बी से लेके ए एफ ऑफ डी एक्स डी एक्स के। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को इस तरीके से आपको मेंशन करना रहेगा। ओके चलो, तो 0 से लेके ए कर दिया एफ ऑफ टी डी टी। अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल लगा लो। ठीक है, डमी वेरिएबल के हिसाब से आप लोग टी की जगह एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। टी की जगह एक्स लिख लो, एम लिख लो, जेड लिख लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। तो टी की जगह मैं यहाँ पे रिफर कर रहा हूँ, सॉरी प्रिफर कर रहा हूँ एक्स लिखना। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ध्यान से देखो यही तो हमारा एल एच एस था। सो देयर फोर ये प्रूव हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। नहीं समझ में आया? अरे यार देखो कितना सिंपल है। देखो क्या किया हमने, ए माइनस एक्स को टी पुट किया, आर एच एस में जो भी है पर्टिकुलरली हमें उसे सॉल्व करना है। तो हमने ए माइनस एक्स को जैसे ही टी डाला तुरंत माइनस डी एक्स की वैल्यू डी टी हो गई, मतलब डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी हो गई। ठीक है, ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू अगर माइनस डी टी हो गई तो जो डी डी एक्स था उसकी जगह माइनस डी टी आ गया और माइनस साइन गया बाहर और ये बन गया एफ ऑफ टी डी टी। अब माइनस साइन अगर मुझे हटाना है तो लिमिट्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने वही कर दिया, ए को 0 बना दिया, 0 को ए बना दिया, और फिर डमी वेरिएबल लगा दिया। टी की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, राइट? और जहां पे हमने डमी वेरिएबल यूज किया है चाहो तो यहाँ भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, सिंस एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, वैसे तो शायद इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है कोई चांस मत लो, लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किंग प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं और दूसरा किंग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये हो गई हम लोगों की किंग प्रॉपर्टी। अब दूसरी किंग प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा था देखो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट किंग प्रॉपर्टी। वो कब यूज करेंगे, जब लिमिट 0 से ए की जगह ए से बी हो जाए। तो सिक्स्थ है किंग प्रॉपर्टी, या फिर अगेन इसको नाम वही दो, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे यहाँ पे कोई एक ए से बी तक इंटीग्रेशन है और अंदर है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर ए से लेके बी अंदर लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा हम लोग इसमें कर सकते हैं, राइट? अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आर एच एस उठा लो। सो आर एच एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब पुट कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स को टी। ठीक है, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। तो डी एक्स की जगह आ गया माइनस ऑफ डी टी। ओके, तो डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी टी। अब क्या होगा, अब चेंज ऑफ लिमिट होगा। सो चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट देखो कैसे होगा, यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है टी। जब एक्स आपका ए था, ठीक है, जब एक्स आपका ए था तो टी क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी माइनस ए, मतलब ए खत्म, तो टी हो जाएगा उस टाइम बी। और जब एक्स आपका बी है, मतलब जब एक्स आपका यहाँ पे बी है तो एक्स की जगह बी डालोगे तो ए प्लस बी माइनस बी बराबर टी। तो उस टाइम जो टी है आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो बेसिकली अब की बार लिमिट क्या आ गई, अब की बार लिमिट आ गई इंटीग्रेशन फ्रॉम, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह तो टी आ गया, ठीक है, और डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी। ठीक है, वीडियो पर ध्यान मत दो, तुम पढ़ने पर ध्यान दो। तो ये माइनस बाहर ले लो, तो माइनस जैसे ही बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। अब हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि माइनस साइन क्या करता है, माइनस साइन लिमिट्स को उल्टा कर देता है। तो ये ए से बी हो जाएगा और ये हो गया एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे लिखो सिंस माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है प्लस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अब डमी वेरिएबल लगा सकते हैं, तो ए टू बी ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखो यही तो हमारा एल एच एस था, तो देयर फोर एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया। सिंपल, ठीक है, आसान ही था। ये भी किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग इसे भी, ठीक है, बोलने के लिए, बाकी रियलिटी में किंग प्रॉपर्टी जैसा कुछ होता नहीं है, तो हम लोग इसे बस बोल देते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे। तो किंग प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, ए टू बी है तो ए प्लस बी माइनस एक्स, और 0 टू ए है तो ए माइनस एक्स। ठीक,
ये हो गई किंग प्रॉपर्टी। आइए सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को लिमिट दी है 0 से 2a और आपको इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन समझ में आया। ये थोड़ा सा भारी है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स पहले कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा था, 0 से 2a, बट प्रॉपर्टी का नाम है रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम है क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्वीन प्रॉपर्टी। ये उतना यूजफुल तो नहीं है बट हाँ काम जरूर आता है। तो 0 से a f(x) dx हो गया और ये 0 से a हुआ लेकिन फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन हो गया f(2a-x) dx। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ। सब कुछ आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कुछ भी बताया जा रहा है। अच्छा फिलहाल इसका प्रूफ कर लेते हैं। सो प्रूफ देखो क्या, एलएचएस उठा लो। एलएचएस आपको दे रखा है 0 से 2a f(x) dx। चेन ऑफ लिमिट से हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से लेके a f(x) dx प्लस a से लेके 2a f(x) dx। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, सिंस a से लेके b तक f(x) dx को हम लोग लिख सकते थे a से लेके c f(x) dx प्लस c से लेके b f(x) dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है एंड c बिलोंग्स टू a कॉमा b। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है कि भाई 0 से लेके 2a के बीच में कहीं पर तो a आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम लोगों का ये एक चीज प्रूफ हो चुका है, ये चीज प्रूफ हो चुका है। क्या प्रूफ नहीं हुआ, ये वाला, राइट। सो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल्स टू, इसको तो लिख लो 0 से a इंटीग्रेशन f(x) dx, इसको तुम अज्यूम कर लो i। ठीक है, और इस i को सॉल्व करके यहाँ पे डाल दो। आइए तो यहाँ पे i को कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a to 2a f(x) dx। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि f(x) dx जो है वो इक्वल है f(2a-x) dx के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x को 2a-t पुट कर देते हैं। ठीक है, x को हम लोगों ने पुट कर दिया 2a-t, हमारी मर्जी है कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो dx बराबर आ गया -dt, राइट, क्योंकि हमें यही चीज प्रूफ करनी है, हमें 2a-x प्रूफ करना है। बट क्योंकि अभी के लिए हमारे पास x ऑलरेडी यूज है तो हमने 2a-t पुट कर दिया, बाद में डमी वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, तो अब चेंज ऑफ लिमिट से देखो ये क्या आ जाएगा। चेंज ऑफ लिमिट से पहले लिमिट थी x, अब लिमिट है t की। तो जब x हम लोगों का a था तो t हम लोगों का ध्यान से देखो a ही आएगा, और जब x हम लोगों का 2a हुआ तो t ध्यान से देखो 0 हो जाएगा, t हम लोगों का हो गया 0। ठीक है, सो ये हो गया i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0 f ऑफ x की जगह आ गया 2a-t और dx की जगह आ गया -dt। अब ये माइनस गया बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर a टू 0 f(2a-t)dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन क्या करेगा, माइनस साइन लिमिट्स को पलट देगा, लिमिट्स को पलट देगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(2a-t)dt। अब यहाँ पे डमी वेरिएबल लगा दो, तो डमी वेरिएबल क्या करेगा, इस टी को एक्स बना देगा, तो f(2a-x) dx जो वेरिएबल है वो चेंज होगा। हाँ, ये तो कांस्टेंट है तो ये थोड़ी चेंज होगा, 3 की जगह 6 थोड़ी लिख सकते हो, एक्स की जगह वाई लिख दो, क्योंकि वैल्यूज तो उनको फिक्स रहने वाली है। अगर एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की भी वैल्यू 2 रहने वाली है, राइट, तो इसीलिए डमी वेरिएबल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का आ गया आई। तो फ्रॉम वन आई की जगह ये लिख दो। सो फ्रॉम वन जो हम लोगों का एलिजेस में था वो था 0 से लेके 2a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से लेके a f(x) dx प्लस 0 से लेके a f(2a-x) dx। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो प्रूफ है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग प्रूफ भी ध्यान में रखना। और देखो हमेशा याद रखना, जैसे आप लोगों को अपर लिमिट को आधा करना है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। समझ में आ गया, तो आप लोग इसकी फोटो वोटो ले लो, सजा वजा लो, सिंपल था यार। तो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो 0 से लेके 2a f(x) dx इक्वल टू है 0 से लेके a f(x) dx और 0 से लेके a f(2a-x) dx। ठीक है, मतलब एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो सम ऑफ लिमिट पे हम लोगों ने बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इवन ऑड प्रॉपर्टी। बट तुम तो वो हो जिसका 11 बर्बाद है, तो तुम्हें पहले ये बताना पड़ेगा मुझे कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो बता देते हैं, इवन ऑड प्रॉपर्टी देखो, कोई भी फंक्शन का अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स के, तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? इवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, मतलब उसमें से जो माइनस है वो बाहर की तरफ निकल आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें साइन एक्स की, तो साइन एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस बाहर चला आएगा। तो ये साइन कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कॉस के अंदर माइनस डालो, तो कॉस के अंदर माइनस एक्स डालोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये तो माइनस को हजम कर गया। तो ये हम लोगों का कौन सा फंक्शन है? ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का है इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब मैंने बेसिकली उल्टा लिखा था, तो सीधा लिख लो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, राइट। और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है। तो एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी लॉग 1 एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ ये कौन सा फंक्शन है? तो एक्स की जगह माइनस एक्स जैसे ही डालोगे तो ये बन जाएगा लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो माइनस बाहर आ पाया और ना तो माइनस गायब हो पाया, तो जब दोनों ना हो पाए तो उसे हम बोलते हैं नैनो फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? नैनो नहीं, उसे हम बोलते हैं नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन मतलब, नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। तो जैसे जो फंक्शन मैंने अभी दिखाया था वो ना तो इवन था और ना तो ऑड था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा इवन ऑड प्रॉपर्टी लगानी है? नीचे जो लिमिट होगी ना वही लिमिट ऊपर भी होगी और दोनों का साइन अपोजिट होगा। जैसे नीचे -2 है तो ऊपर +2 होगा, नीचे -1 है ऊपर +1 होगा, नीचे -10 है ऊपर +10 होगा, नीचे -3 है ऊपर +3 होगा, नीचे -π/4 है तो ऊपर π/4 होगा। तुरंत समझ जानेगा कि यहाँ पे इवन ऑड प्रॉपर्टी शायद लग सकती है, जरूरी नहीं है कि अब लग ही जाए, ठीक है, बट शायद लग सकती है, तो एक ट्राई मार सकते हो वहां पे। सो प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे फंक्शन है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तब, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक है, और अगर ऑड है तब तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि तब आंसर आ जाता है 0। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है, गलती से भी तुम्हें पता चल गया कि भाई एफ ऑफ एक्स ऑड है, तो तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा एक ही स्टेप में। कैसे? 0 लिख दोगे तुम उसकी जगह। तो इसका सेंस क्या है? देखो इसका सेंस ऐसा है, देखो माइनस ए से ए जो लिमिट है ना, वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है? एक्स एक्सिस की लिमिट है। तो जैसे कॉस एक्स का ग्राफ देखो, तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? कॉस एक्स हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है, तो माइनस ए टू ए, मतलब मैं बात कर लेता हूँ जैसे उसकी ग्राफ की -π/2 से π/2 तक की, तो ये तो x=0 रहता है, राइट, तो -π/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और +π/2 आएगा यहाँ पे। जो ग्राफ हम लोग कॉस एक्स का बनाते हैं वो ग्राफ हम लोग ऐसा बनाते हैं, मतलब 0 पे 1 और π/2 पे 1, ठीक है। तो देखो इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, इवन फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना एरिया यहाँ पे होगा उतना ही एरिया यहाँ पे होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 टाइम्स 0 टू π/2 ही बोल सकते हैं सिर्फ। मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो -π/2 -a है और π/2 a है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ओ ओ ओ, ठीक है। तो बेसिकली जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया यहाँ है, तो क्यों ना मैं सिर्फ ये एरिया निकालू, ये जो राइट साइड में जो दिख रहा है, ध्यान से देखो ये जो राइट साइड में एरिया दिख रहा है, क्यों ना मैं सिर्फ इतना ही एरिया निकालू। तो इतना एरिया क्या होगा? 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर मैं कर दूं इसका 2 टाइम्स अगर कर दूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ऑड फंक्शन होने का क्या सेंस है? जैसे साइन एक्स हम लोगों का ऑड फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स हम लोगों का ऑड फंक्शन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन को निकालना है -π से π तक, ठीक है, साइन एक्स का हमें निकालना है। तो साइन एक्स हमें पता है ऑड फंक्शन है, तो हमें ये भी पता है इसका आंसर 0 आना तय है। कैसे आना है? देखो साइन एक्स का ग्राफ जो है, साइन एक्स का ग्राफ -π पे और +π पे दोनों पे ही 0 होता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है,
माइनस पाई से जीरो तक इसका ग्राफ ऐसा आएगा और जीरो से लेके पाई तक इसका ग्राफ ऐसा आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा एरिया है, ये नेगेटिव वाला एरिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, राइट। तो बेसिकली ये वाला एरिया पॉजिटिव है और ये वाला एरिया नेगेटिव है, और जितना एरिया जीरो से लेके पाई तक है उतना ही एरिया माइनस पाई से जीरो है। तो बेसिकली ये अगर +10 आएगा तो ये -10 आएगा, तो वो खत्म ही हो जाना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों का जो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, लिमिट सेम रहने और अपोजिट रहने पे जीरो आ जाता है, ठीक है। प्रूफ क्या है, चलो प्रूफ करते हैं इसका हम लोग। इंटीग्रेशन फ्रॉम, बस प्रॉपर्टीज देख लो, 15 क्वेश्चन कराने में 40 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। -a to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 2 में थे जो कि खत्म हो गए। इसमें तो मतलब यूं प्रॉपर्टी लगाऊंगा यूं सॉल्यूशन सॉल्यूशन आ जाएगा। सो -a to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ -a से लेके 0 एफ ऑफ एक्स डीएक्स और 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है, किसे, इसे ले लेता हूँ। सो मैं ले लेता हूँ इसे i1, सिर्फ i ले लेता हूँ, या फिर 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ LHS में तो -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इस i को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कंसिडर कंसिडर i बराबर इंटीग्रेशन -a to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, x को -t पुट करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इवन ऑड जांचना है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ -t डाल दूंगा तो मुझे इवन ऑड पता चलेगा, राइट। सो पुट एक्स बराबर -t, तो एक्स बराबर -t डालूंगा तो dx बराबर -dt हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट भी होगी, तो चेंज ऑफ लिमिट लिख लो, चेंज ऑफ लिमिट क्या आएगी, देखो यहाँ पे लिमिट है x और यहाँ पे लिमिट है t। x की लिमिट अगर -a है तो t की लिमिट उस समय a है, और अगर x की लिमिट 0 है तो t की भी लिमिट 0 है। देखो ना, x बराबर -t है, मतलब जब x माइनस होगा तब t प्लस होगा और वैल्यू सेम होगी, ठीक है। सो i बराबर हमें यहाँ पे मिल गया, -a की जगह +a, 0 की जगह 0, और ये हो गया एफ ऑफ -t और ये हो गया -dt, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो देखो हमारे पास अब आ गया i बराबर, माइनस आ गया बाहर, तो -a to 0 इंटीग्रेशन एफ ऑफ -t dt। यार ये काला जमता नहीं है यार, काला पेन, ठीक है, काला पेन गच्चे एकदम, ओके। तो ये आ गया -a to 0, सॉरी a to 0 -f(-t)dt, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से हम लोगों की प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। इफ, अच्छा नहीं, अभी माइनस, जब माइनस को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, लिमिट को उल्टा करके। तो लिमिट कर दो, a से 0 था ना, आप कर दो 0 से a, तो 0 से ये कर दोगे तो ये माइनस हट जाएगा और ये बचेगा एफ ऑफ -t dt, ठीक है, ठीक है। अब अगर एफ ऑफ टी जो है, इफ एफ ऑफ टी इज इवन, अगर एफ ऑफ टी इवन है तो एफ ऑफ -t जो है वो एफ ऑफ टी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो एफ ऑफ टी को हम लोग लिख सकते हैं, एफ ऑफ -t को हम लोग एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं अगर इवन है तो। सो देयर फोर आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ t dt, और यहाँ पे है 0 से लेके a। अब डमी वेरिएबल लगा दो, डमी वेरिएबल लगा दोगे तो t की जगह हम लोग लिख सकते हैं x, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारी i की वैल्यू। अच्छा, सो हम लोग अब 1 में वापस चलते हैं, 1 हमारा यहाँ पे, इसको हमने दिया था नंबर 1। ये है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और i की भी वैल्यू आ गई है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, i की वैल्यू आई है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये देखो दोनों क्वांटिटी सेम सेम हो गई, तो इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हो गया ना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें, कब, जब एफ ऑफ एक्स इवन है तब। तो एफ ऑफ एक्स इवन के लिए हमने ये प्रूफ किया, राइट, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है, देखो एफ ऑफ टी इज इवन, ठीक है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन। चलो ऑड के लिए देख लेते हैं। अच्छा, अगर ऑड होगा, इफ एफ ऑफ टी इज ऑड, अगर ऑड होगा तो जो एफ ऑफ -t का वैल्यू है उसकी जगह आ जाएगा -f(t), राइट। तो ऊपर जो ये इंटीग्रेशन में लिखा हुआ था एफ ऑफ -t, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to a -f(t) dt। तो डमी वेरिएबल लगा दो, तो आई बराबर आ जाएगा -0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो फ्रॉम वन, वन से हम लोग लेकर आते हैं माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं रफ करके फिर से लिखता हूँ, थोड़ी साफ सुथरी हैंड राइटिंग में। फिलहाल समझ में आ रहा है ना? समझ में आना जरूरी है। फ्रॉम वन, वन से हम लेकर आए तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया था, ये हो गया था ना, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। और इस साइड आ गया माइनस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब जब एफ ऑफ एक्स ऑड है तब, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो आ गया, तब जब एफ ऑफ एक्स ऑड है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया प्रूफ, प्रूफ का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, एक सेकंड, ओके, इतने का ले लो पहले स्क्रीनशॉट, ओके, और अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इवन ऑड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज, अब करते हैं सारी प्रॉपर्टीज का तगड़ा रिवीजन, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे एक्सरसाइज सॉल्विंग, बहुत ही जल्दी हो जाएगा यार, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले तो हम लोग कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज का फटाफट से रिवीजन। पहली थी हम लोगों की प्रॉपर्टी ऑफ सेम लिमिट, मतलब अगर लिमिट सेम हो जाए तो उस इंटीग्रेशन का आंसर जीरो आना तय है। फिर हम लोगों का था प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, मतलब ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ए से लेके बी तक एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा हमारा प्रॉपर्टी था चेंज ऑफ साइन, मतलब माइनस ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं लिमिट को उल्टा करके लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर अगला था चेन ऑफ लिमिट, मतलब ए से लेके अगर मुझे बी तक जाना है तो किसी सी से होते हुए मैं जा सकता हूँ, तो ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड ये जो सी है वो ए से लेके बी के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और फिर थी किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स मैं कर सकता हूँ जीरो से लेके ए हो तो। और एक थी ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी किंग प्रॉपर्टी थी, मतलब एफ के अंदर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ए टू बी हो रहने पे तब, ठीक है। अगली थी रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ, मतलब जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगली थी इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लिमिट्स अपोजिट साइन की हो और सेम हो, ठीक है, सेम एंड ऑफ अपोजिट साइन, तो उस केस में माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आंसर जो है वो जीरो आ जाता है, और टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाता है, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर एफ ऑफ एक्स इवन हो तब और एफ ऑफ एक्स ऑड हो तब। ये हो गया हमारा कम्बर रिविजन, ठीक है, खटाखट से हम लोगों ने सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चलिए एक्सरसाइज सॉल्विंग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है वन माइनस वन अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या पुट करेंगे बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूशन तो करना है, राइट। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स बराबर अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूं, ए साइन थीटा पुट कर दूं, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। और बाहर साइन थीटा है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हमारा हो जाएगा, अगर मैं एक्स को ए साइन थीटा पुट कर दूं तो मैं पुट कर देता हूं एक्स को ए साइन थीटा, तो डीएक्स बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट भी होगा, तो चेंज ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, देखो पहले लिमिट कैसे चल रही थी, एक्स में चल रही थी, ठीक है, अब किस में चलेगी, अब चलेगी थीटा में, तो जब एक्स जीरो था तो थीटा भी जीरो था, जब एक्स ए हुआ तो ए बराबर ए साइन थीटा, पुट करके सॉल्व कर लेने का, ना समझ में आए तो एक्स की जगह ए पुट करके सॉल्व कर लो, ए से ए खत्म तो साइन थीटा बराबर वन, मतलब थीटा की लिमिट क्या हो गई, पाई बाय टू, तो अब लिमिट हो गई हमारी जीरो से लेके पाई बाय टू, ओके okay, तो देखो इंटीग्रेशन में क्या चेंज आया, ये हो गया जीरो, ये हो गया पाई बाय टू, डीएक्स की जगह आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, डीएक्स की जगह आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन इस एक्स की जगह आएगा ए साइन थीटा, फिर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
चलिए फर्दर इसको रिजॉल्व करते हैं अब। सो देखिए, सो ये आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऊपर तो है ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे है ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट। यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 1 - sin² θ, राइट। और यहाँ पे तो डी थीटा है ही, तो डी थीटा तो लिख रखा है ऑलरेडी। तो ये हो गया 0 to π/2, ऊपर हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर। 1 - sin² θ होता है cos² θ, ठीक है। तो अब वो रूट से बाहर आ सकता है। सो ये हो गया 0 to π/2, ऊपर हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा और नीचे हो गया ए साइन थीटा ओ, ठीक है। और नीचे हो गया ए साइन थीटा प्लस ए रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो सारा ए यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, नीचे से ए लोगे ये ए सारे ए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा एंड में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, ऊपर है π/2, तो ये हो गया कॉस थीटा और अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ये जेई में भी आया था इस साल, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें लगाना है किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, मतलब थीटा की जगह हमें कर देना है π/2 - θ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को लगानी है किंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख दो, सिंस एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सो देयर फोर आई बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयर फोर आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, इसके अंदर अगर मैं डाल दूँ π/2 - θ तो ये हो जाएगा cos π/2 - θ, और नीचे भी हो जाएगा sin π/2 - θ प्लस cos π/2 - θ, ठीक है। और ये हो गया डी थीटा। ओके, तो ऊपर बन गया हम लोगों का साइन थीटा, ठीक है, 0 to π/2, ऊपर बन गया cos π/2 - θ होता है साइन थीटा और sin π/2 होता है कॉस थीटा। तो उस कॉस थीटा को मैं यहाँ लिखता हूँ, बीच में प्लस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये cos π/2 - θ होता है साइन थीटा, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा है, कोई फर्क पड़ेगा, 3 + 4 लिखो, 4 + 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें आंसर मिल जाएगा। देखो अब जरा ध्यान से देखो, तो ये भी आई है और ये भी आई है, ठीक है। ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 1, ये दोनों के ही दोनों क्या है, दोनों के दोनों आई है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और ध्यान से देखो, अगर न्यूमरेटर जुड़ेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होके कैंसल हो रहा है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो ऐसे केस में हमेशा सेम आता है, चाहे यहाँ पे स्क्वायर होता तो भी यही करते हम लोग, ठीक है। स्क्वायर होता, क्यूब होता, कुछ भी पावर रहने तो यही करते। तो एडिंग 1 एंड 2, इसमें क्या करना है, हमें दोनों को ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से फिर कैंसल आउट हो रहा है। सो एडिंग 1 एंड 2, तो ऐड अगर कर देंगे 1 और 2 को, सो हमारे पास हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ही, ठीक है। और ये लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से लेके π/2, और यहां पर क्या है, यहां पर है डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया कैंसल आउट। तो हमारे पास मिला 2i बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, यहाँ पे 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा। लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से लेके π/2, और ये क्या है, ये है 2i। सो देयर फोर 2i बराबर लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स डाल दोगे तो ये आ जाएगा पहले π/2 फिर आ जाएगा 0, तो देयर फोर आई की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो देखो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो हर कोई कर देता है, मैंने भी अपने कोटा के टेस्ट में किया था, जिसकी वजह से मेरे 12 नंबर गए थे, क्योंकि पर्टिकुलरली उसमें मतलब यही 6-7 ही चैप्टर थे, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के आए थे। तो 5 क्वेश्चन आए थे जिनमें से 4 मैंने बनाया था और 3 इसी टाइप का था। तो मैंने क्या किया, मैंने आई और आई को जोड़ा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे एडिंग 1 एंड 2 लिखा ना मैंने, मैंने वहां पे भी आई और आई को जोड़ा, बट आई और आई को जोड़ने के बाद मैंने LHS में सिर्फ आई ही लिखा, तो इसके कारण मेरा आई आया सिर्फ π/2, जबकि और आई को जब जोड़ रहे हो तो यहाँ पे 2i होगा ना, तो मैंने ये सिर्फ आई ही रखा था। तो ये गलती आप मत करना, एडिंग 1 एंड 2 कर रहे हो तो LHS में भी आई और आई एड होकर 2i आएगा, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। और RHS में क्या हुआ, RHS में कैंसिल हो गया, राइट। तो इसको हम
वन में जो आई है ये कैसा है, नालायक है। क्यों? क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना उतना आसान नहीं है। नीचे जो टू में आई है वो भी नालायक है, लेकिन दो नालायक जुड़ के कभी कभी लायक बन जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग दोनों नालायक को जोड़ देंगे। तो ये भी नालायक दोनों जुड़ गए तो लायक। देखो दोनों को जुड़ने के बाद दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो बचा वन, और वन तो बहुत ज्यादा लायक है क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें सीधा सीधा पता है। तो इस तरीके से आई की वैल्यू हो गई पाई बाय फोर। चलो ठीक है, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। आसानी था यार, यहाँ पे कुछ भारी था नहीं। अब 0 से π/2 log 10x है, बड़ा ही चिंदी क्वेश्चन है। आओ देखते हैं दूसरा। 0 से π/2 log 10x है, ठीक है। इसमें भी आपको वही करना है, क्या किंग प्रॉपर्टी लगानी है। तो सिंस हम लोग यहाँ पे जानते हैं, सिंस इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f(a−x) dx। रीजन देना यहाँ पे जरूरी है। सो देयर फोर आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 log के अंदर tan π/2 − x, राइट। लॉग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं tan π/2 − x dx। और ऊपर वाला भी क्या था, ये भी हमारा आई ही था, राइट। और ये भी हमारा आई है, इसको नंबर वन दे दो। ओके, इसको फर्दर रिजॉल्व करोगे तो ये आई बराबर 0 to π/2, ये आ जाएगा लॉग के अंदर tan π/2 − θ। क्या होता है, cot θ। तो ये हो गया कॉट एक्स, राइट। ये होता है कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स डी एक्स। चलो फर्दर इसको रिजॉल्व करते हैं, तो कॉट एक्स का रेसिप्रोकल में लिख लो। तो कॉट एक्स को रेसिप्रोकल में लिखोगे तो 0 to π/2, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1/10x, राइट। 1/10x हो जाएगा। और कभी भी लॉग के अंदर अगर किसी रेसिप्रोकल को ऊपर लेकर आते हो तो फिर क्या होता है, बताओ। सो देयर फोर आई बराबर 0 to π/2, जैसे लॉग के अंदर लिखा है 1/x, तो जब लॉग एक्स हम लोग लिखते हैं तो सर पे आ जाता है -1, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अगर किसी भी क्वांटिटी को आप ऊपर लेकर जाते हो तो बेसिकली उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जब पावर अपोजिट हो जाती है। जैसे नीचे था 1/(x)−1, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x^1, तो वैसे यहाँ पे 1/(x)+1 है, तो ऊपर आके हो जाएगा log(x)−1, फिर ये -1 नीचे उतरेगा तो ये हो जाएगा -log(x)। तो वैसे ही जब टेन ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो log(1/10x) जो है वो इक्वल टू आ जाएगा −log(10x)। ये चीज समझ में आई, ये तो बेसिक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये माइनस आ गया बाहर, सो देयरफॉर आई बराबर आ गया −(इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx)। और अगर आप ध्यान से देखो, तो यही आपका आई है। ऊपर चल के देखो थोड़ा, हम लोग तो काफी नीचे आ गए, ऊपर चलो देखो। आई आपका क्या है, आई आपका 0 से π/2 log 10x है, राइट। तो बेसिकली ये आपका नथिंग बट आई ही है। सो देयर फोर आई बराबर माइनस आई है, ठीक है। कैसे, फ्रॉम वन, तो आई बराबर माइनस आई है, तो इस आई को वहां लेकर जाओगे तो 2i की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 ही है, ठीक है। चिंदी था ना, किंग प्रॉपर्टी लगाया, काम ओवर, काम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है log(1/x−1), ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log(1/x−1) dx। सो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 log, ये हो जाएगा 1 − x/(x) dx। अब क्या करो, अब इसमें भी किंग प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(a−x) dx, सो देयरफोर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग x की जगह 1 − x लिख सकते हैं। सो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 log, x की जगह क्या कर सकते हैं, x की जगह हम लोग 1 − x लिख सकते हैं, और नीचे भी है 1 − x, ठीक है। ठीक है, आइए फर्दर रिजॉल्व करते हैं। ये 0 to 1 log, ये 1 − 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ −x, और नीचे क्या है, नीचे है 1 − x, ठीक है। और ये हो गया dx, ठीक है। आइए तो फर्दर रिजॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log(−x)/(1 − x), ठीक है। नीचे से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लो, लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा नहीं, हाँ, ये जो −x का माइनस है ना, ये जो −x का माइनस है इसे आप नीचे दे दो, तो इसको आप लिख सकते हो x/−(1 − x), राइट। ऐसा कर सकते हो, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्लिक हो जाएगा और आप बोलोगे आपको हो रहा है, हमें थोड़ी होगा। देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको भी क्लिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया 0 से 1 log(x)/(1
वन हो गया नेगेटिव और एक्स हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया एक्स माइनस वन, अब एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो लॉग का जब भी रेसिप्रोकल होता है तो माइनस साइन वो बाहर फेंक देता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये आपका आई बन चुका है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यही आपका आई है। सो देयर फोर आई बराबर है माइनस आई, सो देयर फोर टू आई है बराबर जीरो, सो देयर फोर आई बराबर आ गया जीरो, तो देयर फोर इसका इंटीग्रेशन भी आ गया जीरो। आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, खाली बस वो प्रॉपर्टी लगानी थी, किंग प्रॉपर्टी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में भी किंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो जीरो से पाई बाय टू, ये जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर है डीएक्स, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आई के। ओके चलो, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह हम लोग पुट क्या कर देंगे, ए माइनस एक्स, ए क्या है आपका, ए आपका पाई बाय टू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन, ठीक है, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, और साइड में क्या है, साइड में है डीएक्स। ठीक है, सो देयर फोर आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स। ठीक है, और ये डीएक्स कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, जीरो से पाई बाय टू। अच्छा, तो जरा आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो जैसे ही आप ऊपर से माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग जीरो ऊपर से जो माइनस है उसे कॉमन लोगे, तो वहां बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे तो वैसे ही रहेगा वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अब अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आई बन चुका है, राइट, ये देखो आई सेम एकदम, तो ऊपर वाले को नंबर वन दे दो, इसको नंबर वन दे दो, सो देयर फोर ये हो गया आपका माइनस आई, तो आई बराबर माइनस आई हो गया, तो इसका मतलब टू आई बराबर जीरो हो गया। ठीक है, ये भी डायरेक्टली मैं आई बराबर जीरो लिखना चाहता था एक्चुअली, सो देयर फोर टू आई बराबर जीरो हो गया, इसका मतलब आई बराबर जीरो हो गया। ठीक है, ये आपको कैसे पता चला, फ्रॉम वन। तो चिंदी यार, किंग प्रॉपर्टी लगाते जाओ, काम होता जाएगा। कैसे पता चलेगा किंग प्रॉपर्टी लगाना है, नीचे जीरो रहना चाहिए, नीचे जीरो रहे और आपको मतलब दिमाग में ही आधे से ज्यादा इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, दिमाग में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा होगा, हाँ हाँ सेम टू सेम आई बन रहा है, तो वहां से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर फोर है ना शायद, चलो इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी वही करना है, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस एक्स। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर जीरो से लेके थ्री, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव बाय टू डी एक्स, ये हो गया आपका आई। ठीक है, तो इसे हमें करना है इंटीग्रेट, तो हम लोग इसे थोड़ा ढंग से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव बाय टू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से थ्री तक। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो, लेट आई बराबर दिस, तो हम लोग जानते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, सो लिमिट्स यहाँ पे देखो क्या है, ए यहाँ पे आपका थ्री है, सो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थ्री, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव बाय टू, और ये हुआ डी एक्स। ठीक है, तो इसको फर्दर रिजॉल्व करोगे तो ये हो गया जीरो से थ्री, ये हो गया थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो थ्री माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया की पावर फाइव बाय टू डी एक्स। ठीक है, आइए फर्दर ओपन करते हैं इसे, तो ये हो गया जीरो से थ्री, थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वो आएगा नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो थ्री थ्री कैंसिल हो गया तो बचा एक्स की पावर फाइव बाय टू। तो बेसिकली यहाँ पे आई वाई नहीं बना बल्कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, राइट, क्योंकि देखो थ्री माइनस एक्स की पावर फाइव बाय टू को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते,
एक्स स्क्वायर के साथ, या तो यू इंटू वी लगाते जो कि वैसे भी काफी हार्ड रहता, राइट। तो इसीलिए बेहतर यही था कि किंग प्रॉपर्टी लगा लो, सिंपली हो रहा है। ओके, तो अब एक्स की पावर 5/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 5/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स की पावर 5/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 3, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9x की पावर 5/2 dx माइनस 6 बाहर इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू x की पावर 5/2 dx, फिर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ x की पावर 5/2 dx, ठीक है। 0 से 9, 0 से 3, तो ये 0 से 3 और ये भी 0 से 3, तो ये 9 हो गया बाहर। x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन आता है x की पावर 7/2 upon 7/2, 5/2 में 1 जोड़ दो, क्या दिख रहा है, 7/2, तो वही आ रहा है, राइट। और यहाँ है 0 से 3 माइनस 6 एक्स की पावर, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते पहले, x की पावर 1 into x की पावर 5/2 आ जाएगी x की पावर 7/2, और x स्क्वायर x की पावर 5/2 मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा x की पावर 9/2, 0 से 3, और ये है dx। चलो फर्दर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। सो ये हो गया 9 into 2/7, अंदर देखो लिमिट डाल दो तो ये हो गया 3 की पावर 7/2, ठीक है, माइनस 6 बाहर। x की पावर 7/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 9/2 upon 9/2, ठीक है, लिमिट डाल देना 0 से 3। फिर प्लस x की पावर 9/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 11/2 upon 11/2, 0 से लेके 3, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आप इसको रिजॉल्व करो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया 9 2 18, 18/7, और यहाँ पे 3 की पावर 7/2 माइनस हो गया 12/9, 3 की पावर 9/2, ठीक है, प्लस 2/11, 3 की पावर 11/2, तो ये हो गया आपका आई, राइट। तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, वैसे कर भी नहीं सकते, इतना हार्ड है, राइट। तो ये यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल था, किंग प्रॉपर्टी लगा के ही हो जाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 6 में देखो लिमिट जो है वो माइनस ए से ए दिख गई, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि जब भी लिमिट्स आपको सेम बट विथ अपोजिट साइन दिख जाए तो वहां पे आप लोग इवन ऑड चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कंसीडर एफ ऑफ एक्स बराबर x³ upon 9 - x² देखो चेक कैसे करते हैं, हम लोग एक्स को पुट कर देंगे माइनस एक्स, तो पुट एक्स बराबर माइनस एक्स, देयर फोर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब और 9 - -x² ठीक है। तो माइनस एक्स का क्यूब तो -x³ ही आएगा, और इसका 9 - x² क्या, -x² क्या हो जाएगा, +x². तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आप साफ साफ देख रहे हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है, राइट। जिनको नहीं समझ में आया वो ये देखो, ये पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं हो गया। सो देयर फोर सिंस एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया तब तो आपका काम ही खत्म हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर 0 - 3 से 3, ठीक है, देयर फोर। और एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या था, x³ upon 9 - x² तो -3 से 3, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन था। तो कभी भी लिमिट अपोजिट साइन विथ सेम विथ अपोजिट साइन दिख जाए तो ये समझ जाना यही करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो वही करना है, log 2 + sin x upon 2 - sin x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आई बराबर इंटीग्रेशन log 2 - sin x upon 2 + sin x, ठीक है, upon 2 + sin x, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हमारी लिमिट्स क्या है, -5 2 + sin x upon 2 - sin x है, 2 + sin x upon 2 - sin x है, 2 + sin x upon 2 - sin x है, ठीक है। और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है -π/2 से +π/2, फिर से मैं चेक कर लूँ, प्लस माइनस ही है ना, ओके प्लस माइनस ही है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कंसीडर यहाँ पे भी देखो लिमिट सेम है बट अपोजिट साइन की है, तो इवन ऑड चेक कर लो। तो कंसीडर एफ ऑफ एक्स बराबर log 2 + sin x upon 2 - sin x, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स को माइनस एक्स डाल दो, सो पुट एक्स बराबर माइनस एक्स, तो एक्स बराबर माइनस एक्स हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर log 2 + sin of - x और नीचे 2 - sin of - x। अब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है -sin x, तो ऊपर हो जाएगा 2 - sin x और नीचे हो जाएगा 2 + sin x,
अच्छा, तो लॉग के अंदर अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाती है, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो माइनस साइन आ जाएगी बाहर और अंदर हो जाएगा रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल मैंने क्यों किया, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स से मैच कर रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही तो है, ये क्या आपका, ये आपका एफ ऑफ एक्स ही तो है। सो देयर फोर जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो इक्वल आ रहा है माइनस एफ एक्स के, ठीक है। सो देयर फोर जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन हो गया, वो हो गया ऑड फंक्शन। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना है, देयर फोर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या आना है, जीरो आना है, राइट, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक। तो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स इज 0 फ्रॉम पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। समझ में आ गया, चिंदी है यार, कुछ भी भारी नहीं है इसमें, राइट। तो बड़ी चिंदी चीज है यार, ये तो प्रॉपर्टीज के साथ खटाखट सॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, आइए 8 करते हैं। नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको दिख रहा है वही करना है, क्योंकि लिमिट्स अपोजिट विथ सेम दिख रही है। तो माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस पाई बाय फोर, और नीचे आ गया 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे फंक्शन में अगर हम देखें x को माइनस x डाल के, सो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। हमें इस फंक्शन को सेपरेट करना पड़ेगा, देखो कैसे। i बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर, इस डिनोमिनेटर को x के साथ अलग से अलग करो, तो ये आ गया x अपॉन 2 कॉस 2x, ठीक है। और इसके साथ अलग से अलग करो, तो माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर पाई बाय फोर अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर कर दिया सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को कंसीडर करो, लेट i बराबर आई वन प्लस आई टू, ठीक है। सो कंसीडर आई वन, आई वन में देखो माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर में फंक्शन क्या लिखा है, x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो f ऑफ x हमारा क्या है, f ऑफ x है, एफ ऑफ एक्स है एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, क्योंकि कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आई वन जो है वो ऑड फंक्शन हो गया। सो देयर फोर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। और एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, सो देयर फोर जो आई वन का इंटीग्रेशन आएगा वो जीरो आ जाएगा, तो आई वन तो हमारा जीरो आ गया। अब हम आई टू अलग से सॉल्व करते हैं। सो आई टू में क्या है, देखो फाइव बाय फोर बाहर ले लो आई टू से, ठीक है। आई टू बराबर फाइव बाय फोर ले लो बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर होगा माइनस फाइव बाय फोर। अच्छा नहीं, आई टू भी देखो हम लोग बना सकते हैं कुछ कुछ, देखो क्या, कंसीडर एफ ऑफ एक्स बराबर, कंसीडर एफ ऑफ एक्स बराबर फाइव बाय फोर, ठीक है, अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स, राइट। ये आपका क्या है, ये आप लोगों का एफ ऑफ एक्स है आई टू का, राइट। अब इसमें एक्स को माइनस एक्स डालो, एक्स को माइनस एक्स इसमें डालो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन फोर अपॉन टू माइनस कॉस के अंदर एक्स डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा, आई टू बराबर हो जाएगा टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर की जगह जीरो टू पाई बाय फोर, और ये हो जाएगा पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पाई बाय फोर को ले लेता हूँ बाहर, ठीक है, मतलब सॉल्व करता हूँ बेसिकली इसको। सो आई टू बराबर आ जाएगा टू इंटू पाई बाय फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर डी एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व किया करते थे, टेन एक्स बाय टू को टी पुट करके, बट इसमें टेन एक्स को टी पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस टू एक्स है, पुट टेन एक्स बराबर टी, और अगर टेन टी हो गया तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सो देयर फोर बाहर तो पाई बाय टू इंतजार कर रहा है, उसको पड़े रहने दो, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर, डी एक्स की जगह आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये टू माइनस कॉस टू एक्स की जगह आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी टी, क्लियर। आइए रिजॉल्व करते हैं, तो पाई बाय टू बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन के अंदर है जीरो टू पाई बाय टू, ये आ जाएगा वन अपॉन
देखो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर में जो ये वन प्लस टी स्क्वायर है जो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कट जाना है, तो इनडेफिनेट में इतने बार की अब मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है, बार बार समझ लोगे ना। ये वन प्लस टी स्क्वायर इस वन प्लस टी स्क्वायर से कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो टू से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो टू प्लस टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, समझ गए ना। ठीक है चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। सो देखो ये हो गया पाई बाय टू बाहर, सो देखो इंटीग्रेट कैसे होगा, वन अपॉन टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया थ्री टी स्क्वायर और टू माइनस वन हो गया वन, तो वन अपॉन एक्स, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा पाई बाय टू। एक्चुअली यहाँ पे जीरो से लेके पाई बाय फोर था ना, तो हम लोगों ने लिमिट्स नहीं बदली थी, तो देखो हमने चेंज ऑफ लिमिट किया, जब एक्स जीरो है तो टी भी जीरो है और जब एक्स पाई बाय फोर है तो टी टेन पाई बाय फोर है, ठीक है। तो जीरो से वन यहाँ पे लिमिट्स चेंज कर लेना, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। ओके तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो थ्री टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री टी का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन ए, वन अपॉन ए मतलब वन अपॉन वन इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए मतलब रूट थ्री टी अपॉन वन, फिर इस टी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। तो इस वन बाय रूट थ्री से डिवाइड भी कर देते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके वन तक है। सो ये आ गया पाई बाय टू और ये अंदर आ गया वन बाय रूट थ्री, और ये टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टी की जगह अगर वन डाल दो तो टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, जीरो डालोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसका कोई डालने का सेंस नहीं है। तो ये आ गया पाई बाय टू रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री कब होता है, पाई बाय थ्री पर। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, तो ये आ गया आपका आई टू, तो इसको दे दो नंबर थ्री, ठीक है। और आपका आई वन जीरो आ रखा था, कहाँ पे आई वन जीरो, यहाँ पे, इसको दे दो नंबर टू, और आपने आई बराबर आई वन प्लस आई टू जहाँ पे अज्यूम किया है इसको दे दो नंबर वन। सो देयर फोर आई बराबर आपका आंसर आ गया, देयर फोर फ्रॉम वन टू एंड थ्री आई बराबर आ जाएगा आई वन जीरो और आई टू आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, सो देयर फोर आई की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिजोल्व करना था, सिंपल है। तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर सेपरेट करके चेक करना था इवन ऑड कौन कौन है, ठीक है। चलो दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पार्ट में इतने का ले लो, ये इतने का, ठीक है हो गया। चलो इस पार्ट में इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर, आसान ही है यार, खाली इवन ऑड देख के सॉल्व कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नाइन्थ वाला। इसमें भी इवन ऑड चेक कर लो, क्योंकि जो लिमिट्स है वो अपोजिट है, राइट, उनकी साइन अपोजिट है और लिमिट सेम है, तो लिमिट जब भी सेम हो और साइन अपोजिट हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इवन ऑड चेक कर लेते हैं। सो कंसीडर आई बराबर है ये, तो कंसीडर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब साइन की पावर फोर एक्स, ठीक है। अच्छा डीएक्स कहाँ आ रहा है, सिर्फ फंक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो पुट एक्स बराबर माइनस एक्स, एक्स बराबर माइनस एक्स डाल देते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब और साइन की पावर फोर माइनस एक्स, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और साइन के अंदर अगर माइनस जाता है मतलब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे पावर फोर है, यहाँ पे तो इवन पावर है, तो जब ये माइनस साइन थीटा होगा तो ये जो पावर फोर है ये इसको दोबारा पॉजिटिव बना देगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब साइन की पावर फोर थीटा, मतलब बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब साइन की पावर फोर एक्स, राइट, थीटा नहीं एक्स, तो ये हो गया एक्स और ये भी हो गया एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे आपका काम ही डन हो गया। जैसे ही ऑड फंक्शन आ गया, कैसे भाई, अगर ऑड फंक्शन आ गया तो देयर फोर आई की वैल्यू जीरो रहनी चाहिए, खत्म, ठीक है। अब आप कर लेना वो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो, फिर एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब साइन की पावर फोर एक्स बराबर जीरो, ठीक है। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन, आइए क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टेन में आप लोगों को इवन ऑड तो नहीं लग रहा है, एक्स की जगह अगर हम लोग वन माइनस एक्स डालते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, बेसिकली वन प्लस वन टू माइनस एक्स, कोई सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब वन माइनस एक्स डालने का एक्स की जगह कोई सेंस नहीं हो रहा है, तो किंग प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, स्पाइडरमैन था गाइस यहाँ पे। ओके तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, कैसा, एक्स को पुट कर देते हैं टेन थीटा, तो पुट एक्स बराबर टेन थीटा, तो डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, डीएक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चेंज ऑफ लिमिट हो जाएगी, चेंज ऑफ लिमिट के हिसाब से पहले क्या था, पहले था एक्स, अब क्या है थीटा, तो जब एक्स जीरो था तो थीटा भी जीरो था, जब एक्स वन हुआ तो थीटा हुआ टेन इनवर्स वन, मतलब थीटा हो गया पाई बाय फोर, तो अब हमारी लिमिट्स हो गई जीरो से पाई। अच्छा हम लोग यही क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझा,
यही हम लोग इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नीचे सेक थीटा बन जा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए ओके चलो। सो यहाँ पे देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 हो गया अब, और ये लॉग के अंदर आ गया 1 प्लस टैन थीटा, और नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है? और dx की जगह आ जाएगा sec² θ d θ। ओके चलो फर्दर मूव करते हैं यहाँ पे। सो आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4, ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec² θ। तो नीचे हो गया sec² θ, और यहाँ भी है sec² θ d θ, ठीक है? तो ये इससे हो गया कैंसल, तो ये हो गया हमारा 0 to π/4 लॉग मॉड 1 प्लस टेन थीटा, मतलब ब्रैकेट लॉग 1 प्लस टेन थीटा d θ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसमें इसमें हम लोग अब ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, तो हम लोग ऐसा करते हैं किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है? सो देयर फोर आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग 1 प्लस, किंग प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो किंग प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा की जगह आ जाएगा π/4 माइनस थीटा, ठीक है, d θ। अब देखो मुझे भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ करना है, किंग प्रॉपर्टी लगाना है, बस मैं लगा रहा हूँ। तो ये हो गया लॉग 1 प्लस टेन π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है? ओके तो ये हो गया d θ। तो इसको फर्दर रिजॉल्व करो तो ये हो गया 0 से π/4, ये हो गया लॉग, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे भी है 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है? और ये d θ, तो ये हो गया 0 से π/4, ऊपर देखो लॉग 1 और 1, ये हो गया 2 tan θ tan θ कैंसल, तो ये आ गया लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टेन θ d θ। अच्छा अब देखो लॉग एम अपॉन एन बन गया ये, तो इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 2, और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा, राइट? और लॉग 1 प्लस टेन थीटा जो है यही तो हमारा आई है। सो आई बराबर हमें मिल चुका है, लॉग 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी थीटा बचा, यहाँ पे भी डी थीटा है और यहाँ पे भी डी थीटा है, ठीक है? यहाँ पे भी डी थीटा है और ये है माइनस, तो लॉग 2 गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा डी थीटा 0 से π/4, और ये तो हमारा आई बन गया। तो आई इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 2i, और ये लॉग 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन होके क्या आ जाएगा थीटा, और ये 0 से है π/4, राइट? ये क्या है, ये 0 से π/4। ओके तो 2i बराबर हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा लॉग 2, थीटा की जगह लिमिट डाल दो तो ये हो गया π/4, और 0 तो 0 है, तो आई बराबर आंसर आ जाएगा π/8 log 2। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है? छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसका आंसर आता है π/8 log 2। समझ में आया, आया कैसे किया? एक्स को हम लोगों ने पुट किया tan θ, तो कैंसल वैंसल होके हमारे पास मिला लॉग 1 प्लस टेन थीटा d θ, ठीक है? ओके फिर हम लोगों ने टेन थीटा में किंग रूल लगा दिया, 10π/4 माइनस थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिला लॉग एम अपॉन एन, जिसको हमने लॉग एम माइनस लॉग एन लिख लिया। तो लॉग एम जो था इसमें लॉग टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में सिर्फ डी थीटा बचा, और जो इस साइड माइनस होके आया वो तो सीधा आई बन गया। तो 2i बराबर log 2 into θ का इंटीग्रेशन, तो थीटा आया और लिमिट थी 0 से π/4 डाल दी, तो आई बराबर आ गया π/8 log 2। नंबर 11 कर लेते हैं, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिमिट्स माइनस में दी है और सेम है, तो सेम है बट अपोजिट साइन के, तो ऑब्वियसली इवन ऑड ही लगना है, तो पहले डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं। सो आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 x³ के नीचे दे देते हैं √x² + 4 dx, और 2 के भी नीचे दे देते हैं √x² + 4 dx, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। ओके अब इसको लिख लो, लेट आई बराबर i1 + i2, तो i1 i2 अलग से सॉल्व कर लो। सो कंसीडर i1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 x³ upon √x² + 4 dx, ठीक है? तो इसमें जो फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब जो f ऑफ x है, वो क्या है, वो है x³ upon x² + 4, राइट? तो अब हम लोग x को ले लेते हैं -x, पुट x = -x, तो f ऑफ -x क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -x³, और नीचे -x² होगा तो वो प्लस ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x³, नीचे आ जाएगा x² + 4,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है। जिनको नहीं दिखा उनको दोबारा दिखा दो। ये देखो ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है ना, इसके पीछे माइनस लगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। सो देयर फोर जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो गया, जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑड फंक्शन हो गया। राइट, स्पाइडरमैन परेशान कर रहा है गाइस यहाँ पे, अब वो मेरे बैग पे गया शायद। सो एफ ऑफ एक्स हो गया ऑड फंक्शन। सो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर की जो वैल्यू है वो तो जीरो आनी है, माइनस वन से वन में। ठीक है, सो आई वन की वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। राइट, यहाँ पे एक्स की पावर फोर लिख दिया है तो एक्स स्क्वायर कर दो और ये प्लस कर दो, इसको दे दो नंबर टू। ठीक है, और जहां पे हमने अज्यूम किया था उसको दे दो नंबर वन। हम लोग आई टू को कंसिडर करते हैं। सो कंसिडर आई टू बराबर इंटीग्रेशन टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स स्क्वायर प्लस फोर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर लिख सकता हूँ डीएक्स। ठीक है, माइनस वन से वन। अच्छा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। ठीक है, देखो कंसीडर कर लो, कंसीडर एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो देयर फोर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस फोर ही आएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो भी एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है। राइट, वो भी किसके इक्वल है, वो भी एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, वो है इवन फंक्शन। राइट, और अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ देयर फोर आई टू बराबर मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, और ये टू तो है ही, नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, ओके, सो इस टू को बाहर ले लो तो ये आ गया फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, चुपके से बताया था, क्या बताया था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट डिनोमिनेटर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब इसमें क्या करो, लिमिट्स डाल दो, तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन। ठीक है, तो ये आ गया फोर लॉग, ये हो गया वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर फाइव, फिर माइनस लॉग, ये हो गया वो जीरो प्लस अंडर रूट जीरो प्लस फोर। ठीक है, तो ये हो गया फोर लॉग वन प्लस रूट फाइव माइनस लॉग के अंदर आ गया रूट फोर। ठीक है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया गाइज ये, तो ये हो गया फोर लॉग वन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट फाइव। ठीक है, इसको दे दो नंबर थ्री, ये हो गया तुम्हारा आई टू। सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री आई बराबर हमें मिल गया, आई वन तो जीरो मिल गया और ये मिल गया फोर लॉग वन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट फोर ना, सॉरी अपॉन फोर। क्या मिला है, फोर लॉग रूट फाइव अपॉन रूट फोर, रूट फोर होता है टू। ठीक है, रूट फोर क्या होता है, रूट फोर होता है टू। तो ये हो गया रूट फोर का वैल्यू टू, ओ, तो ये हो गया टू, ये भी हो गया टू। तो फोर लॉग वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई। क्लियर, आसान, छाप लो यार, बस इवन ऑड पहचानना था। तो लिमिट जब भी अपोजिट साइन में दी हो तो इवन ऑड पहचान के उसको खत्म कर देने का। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो यहाँ पे दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, तो ऑब्वियसली इवन ऑड का ही चक्कर है। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को माइनस एक्स करके चेक कर लो कि भैया ऑड है या इवन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, बेसिकली प्रैक्टिकली एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन चुका है माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो देयर फोर जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो बन चुका है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देयर फोर जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है ऑड फंक्शन। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज एन
ऑड फंक्शन, सो इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन आई की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। ये तो चिंदी सा क्वेश्चन था यार, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सो इसमें आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर वन माइनस टी, ठीक है। सो पुट कर देते हैं, सॉरी किंग रूल लगा देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट में वन माइनस टी है, तो अगर यहाँ पे वन माइनस टी आ जाएगा ना तो रूट में सिर्फ टी बचेगा, तो एक्सपांड करके सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब जब आप लोगों को ये चीजें आसानी से आने लगेंगी ना, तो आप खुद ही क्वेश्चन देखोगे तो आप दिमाग में दौड़ा लोगे, हाँ ये प्रॉपर्टी लगाने से ये हो रहा है, इवन आउट लगाने से ये हो रहा है, ये लगाने से ये हो रहा है, हाँ ये लग रहा है सही। तो बेसिकली प्रैक्टिस चाहिए बस, तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, देख देख के आ जाएगा आपको, ठीक है। सो सिंस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सो देयर फोर आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू टी, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट कुछ और रहोगी यार, लिमिट वन है ना, ये लिमिट तो कुछ लिमिट वन है राइट, तो बेसिकली लिमिट यहाँ पे वन है, किधर है भाई तू, ओके सो लिमिट वन है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर की जगह वन माइनस टी का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर हो जाएगा वन माइनस टी, और ये हो गया डी टी, ठीक है। तो वन और वन उड़ गया, और माइनस ऑफ माइनस टी हो गया प्लस टी, तो जीरो से वन, वन माइनस टी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो आ जाएगा वन माइनस टू टी प्लस टी स्क्वायर, और ये रूट के अंदर बचा टी। अब इस टी को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस टी को क्या करो, इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस रूट टी को, रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जीरो से वन, ये हो जाएगा रूट टी, ये हो जाएगा माइनस टू टी रूट टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर रूट टी, और इस पूरे का डी टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे देखो रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2t रूट टी, मतलब ये टी की पावर 3/2 है, तो टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस ये टी स्क्वायर रूट टी है, मतलब ये बेसिकली टी की पावर 5/2 लिखा हुआ है, तो टी की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन, तो वन ही डालो, जीरो डालने पे तो सब जीरो हो जाएगा, वन डालने से ये हो गया 2/3, ये हो गया 4/5, और ये हो गया 2/7, ठीक है, ये बीच में प्लस है। अब इनको सॉल्व कर लो, तो 2 5 10, 10 - 12 अपॉन 15 प्लस 2/7, तो ये हो गया -2/15 प्लस 2/7, ठीक है, तो -2 7 - -14, 15 2 30, 15 7 105, तो फाइनल आंसर आ गया 16/105, तो ये हो गया आपका ही क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। तो बेसिकली आई होप अब आप लोगों को फील आने लगी होगी कि हाँ यार इसमें ये यूज कर रहे हैं, यूं यूज कर रहे हैं, और ये इसमें ये यूज कर रहे हैं इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जीरो से लेके पाई, ठीक है, एक्स साइन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जीरो से लेके पाई, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये हम लोगों का इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन बिल्कुल नहीं चेक करना है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन तो तब चेक करते हैं जब लिमिट सेम हो और अपोजिट साइन की हो, यहाँ पे तो जीरो से पाई है राइट, तो एक्स को हम लोग पाई माइनस एक्स डाल के देख सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, तो साइन पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन सॉरी प्लस साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो पाई माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है, पाई माइनस एक्स डालने पे कुछ तो हो रहा है गाइस, देखो ट्राई करते हैं, एक्स की जगह हमने पाई माइनस एक्स डाला, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, बट क्योंकि स्क्वायर है तो वो भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो आ ही बन गया, और ये साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर ही लेंगे अलग से, बहुत आसान हो गया, देखो तो हमें यहाँ पे लगाना है किंग रूल, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आई बराबर, तो हम लोग जानते हैं सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर जीरो से पाई, एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स राइट, साइन एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स, तो ये आ गया इंटीग्रेशन के अंदर जीरो से पाई पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स, ठीक है,
और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता, लेकिन क्योंकि वहां पे स्क्वायर है तो वो भी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है डीएक्स। अब देखो पाई के साथ ब्रैकेट अलग से खोलो, तो 0 से पाई, पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस एक्स के साथ ब्रैकेट अलग से खोलो, तो ये हो गया एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 0 से पाई, राइट। इसको अलग से इंटीग्रेट करो और इसको अलग से इंटीग्रेट करो, सो आई बराबर, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा आई बन गया, सो आई बराबर इंटीग्रेट तुम्हें अब सिर्फ इसे ही करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे सोच लेते हैं, पाई तो कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। क्या करें, कॉस एक्स को टी डाल देते हैं, तो कॉस एक्स को टी डालते ही तुरंत इंटीग्रेट हो जा रहा है, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो आई बराबर आई वन माइनस आई, सो देयर फोर 2i जो है वो आई वन के इक्वल हो गया, मतलब आई जो है वो आई वन बाय टू के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन वन दे दो और आओ कंसिडर करते हैं इक्वेशन आई वन, ठीक है। सो कंसिडर आई वन बराबर, आई वन क्या है हमारा, आई वन है पाई बाहर इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है 0 से पाई, और यहाँ पे डी एक्स। तो आइए रिजॉल्व करते हैं, ये हो गया पाई, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी, सो पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, राइट। और इसको पुटिंग पुटिंग किया तो चेंज ऑफ लिमिट लिमिट भी होइंग, तो चेंज ऑफ लिमिट में ये हो गया एक्स और ये हो गया टी, राइट। अगर एक्स 0 है तो टी की वैल्यू 1 है, और अगर एक्स पाई है तो टी की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो पाई बाहर इंटीग्रेशन के अंदर 1 से -1, ठीक है। और ये हो गया टी स्क्वायर माइनस डी टी, राइट। तो अब देखो माइनस पाई गया बाहर इंटीग्रेशन में 1 से -1, यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी है, ठीक है। तो अब माइनस से क्या करो, लिमिट चेंज कर दो, तो लिमिट हो गई ऊपर नीचे, और ये टी स्क्वायर डी टी माइनस के कारण लिमिट ऊपर नीचे हो गई, राइट। ओके तो आइए यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट। ओके तो ये देखो पाई टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी क्यूब बाय थ्री, और इसमें लिमिट्स डाल दो -1 से 1, तो पाई टी क्यूब बाय थ्री में 1 डालोगे तो 1/3, और माइनस ये आ जाएगा -1/3 का क्यूब, सॉरी 1/3 आ जाएगा माइनस में, तो बेसिकली आ जाएगा 1/3 + 1/3, मतलब ये आ जाएगा 1/3 + 1/3, मतलब ये आ जाएगा 2/3। फाइनल आंसर आ गया 2π/3, किसका, आई वन का, तो आई वन आ गया 2π/3, सो इसको 1 में पुट कर दो, राइट। इसको दे दो इक्वेशन 2 और इसको 1 में पुट कर दो, सो फ्रॉम 1 एंड 2 आई बराबर, ये 1 एंड 2 है, ठीक है, ये 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 आई बराबर हो जाएगा, आई वन क्या है, आई वन है 2π/3, और इसके नीचे है 2, तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो सिंपल था ना, बस किंग रूल लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्विंग करनी थी, तो जिनको सॉल्विंग आ गई उनसे ये काम हो गया, उनसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चिंदी है यार, ओके तो छाप लो, आगे बढ़ते हैं, आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो देखो हम लोगों ने लगभग सारी प्रॉपर्टी यूज कर ली, बस एक प्रॉपर्टी हम लोगों की यूज नहीं हुई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, बट मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करके आपको बता देता हूँ, वो अरे यार, रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। पुट करता हूं मैं एक्स को साइन थीटा इसमें, ठीक है, सो पुट एक्स बराबर साइन थीटा, सो आई बराबर आ गया, ठीक है, आई बराबर आ गया, सॉरी चेंज ऑफ लिमिट वगैरह भी तो होगा, सो डी एक्स बराबर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, और चेंज ऑफ लिमिट जब होगा, चेंज ऑफ लिमिट जब होगा तो यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है थीटा, एक्स जब 0 है तो थीटा भी 0 है, जब एक्स 1 है तो थीटा π/2 है, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया लॉग साइन थीटा, डी एक्स की जगह आ गया कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन अंडर रूट 1 - sin² थीटा, ठीक है, ये हो गया आई बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो ये हो गया 0 to π/2, ये हो गया लॉग साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो रूट हटेगा तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ भी कॉस थीटा डी थीटा है, तो ये इससे खत्म हो गया, सो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास बचा 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा,
अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, लॉग साइन थीटा डी थीटा को कैसे इंटीग्रेट करें? हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट रिड्यूसिबल टू हाफ, ठीक है, रिड्यूसिंग अपर लिमिट टू हाफ। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज हम जानते हैं, सो देयर फोर आई बराबर यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। बेसिकली ये चीज ऐसे लिखो या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स और इस पूरे के बाहर डी एक्स, ठीक है। तो वैसे लिखो ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ऐसे लिखना है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। तो जीरो टू ए, ए मतलब पाई बाय टू का आधा मतलब पाई बाय फोर, और यहाँ लॉग साइन थीटा प्लस लॉग साइन टू ए, टू ए मतलब पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी थीटा है, राइट। ओके फर्दर रिजॉल्व करते हैं इसे, तो जीरो से पाई बाय टू ये हो गया लॉग साइन थीटा, और साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया लॉग कॉस थीटा। तो लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लॉग एम इन टू एन, लॉग एम इन टू एन का मतलब, लॉग एम इन टू एन का मतलब लॉग, ये हो गया लॉग साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया लॉग साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू, ठीक है। चलिए फर्दर इसमें देखो, इसको जीरो टू पाई बाय टू ही रहने दो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूँ साइन टू थीटा बाय टू, राइट। और ये हो गया डी थीटा, अब इसको सेपरेट कर लो, लॉग साइन टू थीटा को सेपरेट कर लो डी थीटा के साथ, और टू लॉग टू को सेपरेट कर लो डी थीटा के साथ। समझे ना कैसे सेपरेट किया, लॉग एम अपॉन एन था तो लॉग एम माइनस लॉग एन वाले फॉर्मूले से मैंने कर लिया है सेपरेट, ठीक है। तो लॉग साइन टू थीटा को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा तो लॉग साइन टू थीटा को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो साइन टू थीटा को मैं पुट कर सकता हूं, ठीक है। देखो देखो टू थीटा को मैं पुट कर सकता हूँ टी, ठीक है। ओके देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, देखो पुट, कलर चेंज करता हूँ, पुट टू थीटा बराबर टी, और अगर मैं टू थीटा को टी पुट करता हूँ सो टू डी थीटा की वैल्यू डी टी आ रही है, मतलब डी थीटा की वैल्यू डी टी बाय टू आ रही है, ठीक है। तो देखो फंक्शन में कैसे बदलाव होगा, वन बाय टू गया बाहर, डी थीटा की जगह जो डी टी बाय टू आता वो टू गया बाहर, और यहाँ पे आया लॉग ऑफ साइन टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से पाई बाय टू तक, और ये माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू लॉग टू, और ये डी थीटा, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा उस साइड चलते हैं क्योंकि हम लोग एकदम सीधे सीधे ही किए जा रहे हैं, नहीं जा सकते क्या, ओ ओ जा सकते हैं, जा सकते हैं। ओके तो हम लोग इसी साइड चलते हैं अब, तो लॉग साइन टी डी टी हाफ लॉग साइन टी डी टी। अब देखो लॉग साइन टी टी डी में हम लोग डमी वेरिएबल लगा देते हैं, डमी वेरिएबल लगा देंगे तो इसको लिख सकते हैं हाफ जीरो से लेके पाई बाय टू, डमी वेरिएबल लगा देंगे तो ये हो जाएगा लॉग, एक्चुअली ये पाई बाय फोर है ना, ये पाई बाय फोर है लिमिट से यार, और टू थीटा को पुट करने के बाद लिमिट तो और चेंज हो गई होगी, ठीक है। ये पाई बाय फोर है, पाई बाय ये पाई बाय फोर है, ये भी पाई बाय फोर है, अरे भाई मिट जा, ठीक है। तो ये पाई बाय फोर है, ये भी पाई बाय फोर है, ये भी पाई बाय फोर है, ये भी पाई बाय फोर है, और ये भी पाई बाय फोर है, और ये भी पाई बाय फोर है, और ये भी पाई बाय फोर है, ठीक है। अच्छा टू थीटा को जब डी टी हमने टू थीटा को जब हमने टी पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी दोबारा से, तो हम लोग लिमिट वगैरह नहीं चेंज किया हम लोगों ने, तो लिमिट वगैरह भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली राइट साइड में ही चलते हैं अब, देखो जब हम लोगों ने टू थीटा को टी पुट किया, ठीक है, जब हम लोगों ने टू थीटा को टी पुट किया तो चेंज ऑफ लिमिट दोबारा होगा, तो यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है टी, ठीक है। तो टू थीटा को हमने टी पुट किया तो जब टू थीटा जीरो था तो टी भी जीरो था, और जब थीटा पाई बाय फोर था तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा टू इंटू पाई बाय फोर, मतलब टी हो जाएगा पाई बाय टू, तो लिमिट चेंज होके आ गई जीरो से लेके पाई बाय टू, और ये आ गया लॉग साइन टू थीटा की जगह आ जाएगा साइन टी, और डी थीटा की जगह आ जाएगा डी टी बाय टू, तो जो बाय टू है वो मैं बाहर की तरफ फेंक रहा हूँ। सो आई बराबर ये मिला है मुझे, और प्लस में इसके साथ है मुझे जीरो से पाई बाय फोर लॉग टू डी थीटा, यही है ना, अच्छा माइनस में लॉग टू डी थीटा, और ये पाई बाय फोर है, राइट, ये क्या है, ये है पाई बाय फोर,
ओके तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, पाई बाय 4 log 2 d थीटा, और ये माइनस में है, ठीक है। ओके सो ध्यान से देखो आप लोग, तो ये आपका आई बन चुका है, डमी वेरिएबल लगा दो, बेसिकली डमी वेरिएबल लगाना है क्या। आई आपका क्या है यहाँ पे, आई आपका ये रहा, ये रहा आपका आई, इसको नंबर 1 दे दो, ये आपका आई है राइट। तो आई आपका लॉग साइन थीटा डी थीटा है 0 से पाई बाय 2, और इसमें अगर डमी वेरिएबल लगा देते हो, देखो डमी वेरिएबल भी यूज हो गया, वरना क्वेश्चन में अभी तक यूज नहीं हुआ था, 0 से पाई बाय 2 डमी वेरिएबल लगा दोगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस लॉग 2 ले लो बाहर इंटीग्रेशन के अंदर, सिर्फ डी थीटा 0 से पाई बाय 4, और ये आई, ठीक है। तो लॉग साइन थीटा डी थीटा बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, आई बन गया आपका। सो ये बन गया आपका आई, आई बराबर हो गया 1 बाय 2 आई माइनस लॉग 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा 0 से पाई बाय 4, ठीक है। तो अब देखो 1 बाय 2 आई को हम लोग उस तरफ भेज देते हैं, सो ये हो जाएगा 1 बाय 2 आई इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू पाई बाय 4, ठीक है। अब 2 को वहां भेज दो तो आई बराबर हो गया पाई बाय 4 इंटू 2 इंटू माइनस लॉग 2, ठीक है। अब 2 से इसको काट दो, सो देयर फोर आई की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। आई की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई आई की वैल्यू, आई की वैल्यू मिल गई माइनस पाई बाय 2 log 2। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका चाहिए तो रट्टा मार लो। फिलहाल यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी हिम्मत से, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब इतनी हिम्मत बची है कि एक ही बार एक्सप्लेन कर सकूं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने एक्स को साइन थीटा पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे कॉस थीटा बन रहा था और ऊपर डीएक्स भी कॉस थीटा बन रहा था, तो वो कैंसिल हो जाता, तो कैंसिल वैंसल हो गया, लॉग साइन थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। फिर मैंने रिड्यूस अपर लिमिट टू हाफ वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें 0 से पाई बाय 4 हो गई लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे आ गया लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा, जो कि हो गया लॉग साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, तो साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं साइन 2 θ/2 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने वही किया, साइन 2 θ cos θ, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैंने साइन 2 θ/2 लिखा, राइट। ये करने के बाद यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन बना, तो मैंने इसको लॉग एम माइनस लॉग एन कर दिया। फिर मैंने 2 θ को टी पुट किया, तो चेंज ऑफ लिमिट हुआ, तो 0 से π/2 बन गई लिमिट, और ये आपका बन गया आई, और ये आई बना, तो यहाँ पे आके 1/2 आ गया, और उससे सिंपलीफाई बन गया लॉग 4 इंटू सॉरी लॉग 2 इंटू पाई बाय 4, और यहाँ पे 1/2 था तो ये 2 वहां गया, तो पाई बाय 2 हो गया और लॉग 2 हो गया, और माइनस वैसा ही रह गया। तो इसी के साथ हमारा 4.2 खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे मिसेलेनियस, मैं रिकमेंड करूंगा मिसेलेनियस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम है आपकी, ठीक है। इनडेफिनेट तो बहुत कर लिया, बट डेफिनेट में प्रैक्टिस बहुत कम है, डेफिनेटली बहुत कम है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे एमसीक्यूज, और सारे मतलब सारे नहीं बट 10 अलग क्वेश्चंस, ठीक है, नॉन एमसीक्यूज। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।